भागलपुर के एक युवा ने एक अलग ही कारनामा कर दिखाया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। गौरतलब है कि यह वही व्यक्ति है जिसने 2022 में 2500 पुशअप लगाए थे और खुद का रिकॉर्ड 2023 में उन्होंने कैमरे के सामने 4040 पुशअप लगाकर तोड़ा है। भागलपुर के युवक ने लगातार 4000 पुशअप मारकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। भागलपुर जिले के कुतुबगंज निवासी NCC 4th बिहार बटालियन के इंस्ट्रक्टर मुकेश कुमार ने यह कमाल आज सैंडिस कंपाउंड में किया। मुकेश लगातार अपने पुशअप पर ध्यान देकर प्रतिमान बनाया है। पूरे भागलपुर वासियों को मुकेश पर गर्व है। मुकेश ने लगातार 2.5 घंटे तक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव सौरभ गौन के कैमरे के सामने 4040 पुशअप मारा। मुकेश ने इससे पहले 9 जनवरी 2022 को 2500 पुशअप लगाया था, जिसके बाद आज उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 4000 से अधिक पुशअप लगाया। 2022 में मुकेश को कराटे ब्लैक बेल्ट एशियन चैंपियनशिप में विजेता घोषित किया गया था। 26 जनवरी को मुकेश को भागलपुर में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम उन्हें सम्मानित करेगी। हमारे गुरु जी हैं दीपक सिंह और हमारे अंकल नीता और हमारे मित्र हैं, सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। कितना इससे पहले क्या रिकॉर्ड था? इससे पहले तो मैं 1700 लगाया था, उसके बाद फिर 2500 लगाया, इस बार 4000 प्लस हो चुका है, रिकॉर्ड हो गया। किस तरह से तैयारी की थी आपने, कितनी मेहनत की थी? वो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम गुरु जी के अपने मार्गदर्शन में करते रहे और हम यहाँ तक आ गए। खाना पीना क्या होता है आपका? खाना पीना तो जो नॉर्मली है, दूध। मेहनत, शरीर पे मेहनत करते हैं। क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए? युवाओं के लिए संदेश है कि अगर आप करते रहिएगा तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर हो चुका था, उसी स्थिति में हम डिस्क मार रहे हैं। हमारे पास अभी रिपोर्ट भी है MRI का, मेरा कमर भी फ्रैक्चर हो गया था। रिकॉर्ड बना के आज खुश हैं? हाँ खुश हैं, लेकिन अभी और आगे भी और रिकॉर्ड अपना और रिकॉर्ड तो कितना का लक्ष्य रखे हैं और आगे भी? अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, वो हमारे गुरु जी के मार्गदर्शन में। बिहार सरकार खेल, मेरा नाम सौरभ कुमार सिन्हा हुआ, मैं एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से आया हूँ। आज मुकेश कुमार जिन्होंने आज 4040 पुशअप मार कर एक पूरे एशिया में एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उन्होंने एक बनाया है, उसी के मैं एक एडजुडिकेटर के पद पर आज मैं ये आया हूँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर। कितना पुशअप दिए हैं? ये सर एक पूरे एक बिहार नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे एशिया के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क मुकेश कुमार ने किया, जो कि पिछले अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया, मतलब अपने ही वृत्तियों को जीते। अगर अध्यात्म के तौर पर मैं अगर कहूँ तो अपने ही वृत्तियों को जीतना एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ा एक टास्क होता है, जिन्होंने ये कर दिखाया। यानी पहले 2500 का पदक उन्होंने बनाया था और आज उस 2500 को भी ब्रेक कर आज 4040 तक का वो सफर उन्होंने तय किया एक जमाने में। आज मुकेश कुमार ने जो इससे पहले उसका 2500 पुशअप था और अपने ही रिकॉर्ड को आज एशिया बुक ऑफ दर्ज में अपना नाम दर्ज कराया है और ये भागलपुर की ये अंग की धरती पर इन्होंने ये कारनामा किया है। तो मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि जो है खेल के प्रति आप बढ़ावा दें और ऐसे लोगों को आगे सामने लाने का प्रयास करें, ताकि यहाँ पे बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यदि इसमें सरकार अच्छी तरह से काम करती है तो यहाँ से जो है पुशअप, ये तो पुशअप में अपना विश्व रिकॉर्ड मतलब बनाया है और कहीं ना कहीं जो है हर क्षेत्र में जो है अपने बिहार से जो है खिलाड़ी आने वाले हैं। यदि भागलपुर जिले के सन्हौला प्रखंड अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन्हौला के डॉक्टर अनुज ठाकरे द्वारा पत्रकारों से अभद्रता एवं तुमताम किया गया। साथ ही पत्रकारों को कहा गया कि किसके परमिशन से तुम लोग अस्पताल का न्यूज कवरेज कर रहे हो, यहां से निकलो नहीं तो केस करके जेल भिजवा देंगे। कौन गया है लेबर रूम में? कौन गया है लेबर रूम में? कौन गया है लेबर रूम में? क्या तुम बनाते हो? कौन गया है लेबर रूम में? सवाल जवाब करने के लिए मेरे लेवल के हो तुम? नहीं, तुम तम करके बात मत कीजिए। आप डॉक्टर हो गए क्या हो गए? आप जो है हॉस्पिटल में, आप हॉस्पिटल में सेवा के लिए आए हैं ना? आप हॉस्पिटल में सेवा, तुम तम करके बात मत करो। मैडम आपके ऊपर, मैडम आपके ऊपर जो है 5000 रुपया मांगने का आरोप है। देखिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इस पे, बोलिए क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए। पहले पर्चा लेकर उनको नहीं कटा की बाहर में कटवाइए।
मालूम हो कि डिलीवरी कराने के दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मी के द्वारा 5,000 रुपए का डिमांड किया गया था। डिलीवरी पेशेंट जूली कुमारी के द्वारा पत्रकारों को इसकी सूचना दी गई। घटना 19 जनवरी 2023 करीब रात के 3 बजे की है, जिसकी पुष्टि करने के लिए कई पत्रकार पहुंचे। मामला सुनते ही डॉक्टर अनुष्ठा आक्रोशित हो गई और पत्रकारों से उलझ गई। डिलीवरी पेशेंट के अभिभावक ने बताया कि पैसा नहीं देने के कारण महिला डॉक्टर के द्वारा मेरे पेशेंट को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन मैंने अस्पताल से 70 से 80 मीटर की दूरी पर रिमझिम क्लिनिक में अपने पेशेंट को ले जाकर वहां नॉर्मल डिलीवरी करवाई। वो आप समझ सकते हैं कि सन्हौला अस्पताल में कितनी लापरवाही है। सन्हौला सरकारी हॉस्पिटल हाँ। तो आपको रेफर कर दिया था। मतलब चढ़ा हुआ था पानी, वहाँ से निकाल दिया वहाँ से। हाँ। अच्छा, रेफर करने का क्या कारण था? कारण बताया कुछ देखा तो मुझे बोला कि खर्चा वर्चा लग गया तो बाहर भेज दो। खर्चा वर्चा दीजिए तब बाहर, नहीं तो क्या बोला? पैसा खर्चा वर्चा दीजिए नहीं तो बाहर भेज देंगे। क्या नाम आपका? लास्ट में पैसा नहीं दिया खर्चा, तो इसीलिए आप लोग को रेफर कर दिया। बोला करता है समय नहीं पूरा है, मुँह नहीं खुल रहा है। बोला करता है कि देखिए दीजिए, क्या देखेगा हमें? 4 बजे होगा, 4 बजे। हाँ, 4 बजे जब पूरा तड़पड़ करने नहीं जा। ये मतलब वहाँ जो रेफर किया आपको, नॉर्मल ही डिलीवरी हुआ कि ऑपरेशन हुआ? ना हुआ तो छोटी ऑपरेशन। नॉर्मल डिलीवरी होता है, नॉर्मल डिलीवरी ही किया, यही ना? क्या नाम है आपका? परमलता। ऐसा कौन था आपका? ऐसा तो कमे का था, वो नहीं आ रहे थे, लेकिन हम लाए उसको। आ नहीं रहे थे। क्या नाम है ऐसा? कविता देवी नाम। आ नहीं रहे थे वो, कि मतलब ये पैसा भी वहाँ मांग रहा था हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। बोला जो करता है समय पूरेगा तब नहीं, समय पूरेगा तब। अभी नहीं पूरा, 4 बजे समय पूरेगा। अच्छा, किसके द्वारा पैसा मांग रहा था? नाम पता है? कुछ दवाई नहीं, इसको कुछ सुइया दिया, नहीं कुछ दवाई दिया, कुछ नहीं। कैसे इसका दर्द बढ़ेगा? जितना दर्द से बेचैन था उसी। हाँ, पानी जो चढ़ाया, पानी लगा हुआ हमको भेज दिया वहाँ से, भेज दिया। क्या नाम आपका? रेणु देवी। हाँ, अच्छा ये बताइए, कहाँ घर है आपका? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी ना वहाँ पे? घर आपका कहाँ? जैसे कोई भी दिक्कत हो रहा था जो आपको रेफर कर दिया? पूरा मतलब अथी हो रहा था, तो मम्मी से बोला चली थी कि हम क्या करेंगे, जो ठीक कर ले और ठीक कर ले। तो पापा से बोला क्या, नहीं हम नहीं ले लेंगे, मतलब कोई रीजन नहीं, मायागंज रेफर कर दिया। पैसा वैसा का भी डिमांड कर रहा था वहाँ पे ना, पैसा भी मांग रहा। खर्चा वर्चा नहीं कुछ करता है, बोलता है देखिए क्या करता है, दवा से कुछ गिरेगा दर्द से चटपट करता है, सरकारी हॉस्पिटल में करता है। हाँ। जब इसकी शिकायत व पुष्टि के लिए पत्रकार अस्पताल पहुंचा, प्रभारी के सामने अकाउंटेंट के द्वारा भी बदतमीजी की गई व पत्रकारों का ही वीडियो बनाने लगे। सूत्रों के अनुसार पता चला कि जब डॉक्टर अनुष्ठा ड्यूटी पर रहती है तो अधिकतर पेशेंट का यही होता है। उसका एक प्राइवेट निजी क्लिनिक रिमझिम से तालमेल है और रेफर करके वहाँ निजी क्लिनिक में भेज दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें 5,000 रुपये कमीशन के रूप में मिलता है। इस मामले में रिमझिम क्लिनिक के एक डॉक्टर भी पत्रकार से डॉक्टर अनुष्ठा के बारे में फोन कर बातचीत कर पैरवी कर रहे थे और न्यूज नहीं चलाने की बात कर रहे थे, जिसका ऑडियो सुरक्षित रखा गया है। पत्रकारों ने जब स्वास्थ्य प्रभारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ गलत किया गया है, डॉक्टर अनुष्ठा को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, एक डॉक्टर का कर्तव्य बनता है कि वो शालीनता से काम ले, और कहा कि मैं अपने स्तर से टीम बनाकर जांच कर सिविल सर्जन को इसके बारे में लिखूंगा और निश्चित ही कार्रवाई होगी। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग व जिला पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा ऐसे डॉक्टरों पर कुछ कार्रवाई की जाती है या कुछ रुपयों का लेन देन करके मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। अभी मामला सामने आया है सर, कि मामला यह है कि इनसे पैसे का भी डिमांड कर दिया गया, और इनका कहना कि मेरा बच्चा का स्थिति ठीक है, कोई ऑक्सीजन या कोई वेंटिलेटर नहीं लगा, मेरा बच्चा स्वस्थ है, और इनको जानबूझ के इसमें चिट्ठा में लिख कर मायागंज में रेफर कर दिया गया। अब 20 मिनट के दरमियान में इनको नॉर्मल डिलीवरी हुआ, इसमें अब ये आरोप लग रहा है एनएम और डॉक्टर पर ये आरोप लग रहा है। कहिए सर, आपका इस पे क्या कहना? देखिए, इसका जो आपका चिट्ठा जो है उसमें लिखा हुआ है कि डिक्रीज एफएचएफ, हार्ट रेट बच्चा का डिक्रीज कर रहा था जी, जिसके कारण जो डॉक्टर अनुष्ठा थी ड्यूटी पे, उन्होंने लिखा है कि रिपोर्ट मायागंज,
हार्ट रेट जैसे अगर डिक्रीज करता तो उसी स्थिति में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपके यहाँ पे जो मौजूद था उनके द्वारा जो है 5,000 रुपया का डिमांड किया गया था पेशेंट के गार्जियन के द्वारा, ये चीज बताया गया, इस पे आपका क्या कहना है? डिमांड जैसे वहाँ पे कौन किया गया, जैसे वहाँ पे जीएनएम जो पोस्टेड है हमारे, जीएनएम से जहाँ तक मेरी बात हुई, जीएनएम तो आपके सामने है और आपके जितने भी सहयोगी लोग हैं उन्होंने बोला नहीं, इन्होंने डिमांड नहीं किया। अब रहा बात वहाँ पे ममता भी रहती है तो ममता को बुला के पूछेंगे हम, ममता को बुला करके देखेंगे, अगर उसके तरफ से डिमांड किया गया तो जरूर उस पर कार्रवाई। सर उनका कहना जिला को भी इनके बारे में सूचना मिली। सर पेशेंट के गार्जियन का कहना है कि हमको 3:45 में जो है यहाँ सनोला अस्पताल से रेफर किया गया और 4:05 में डिलीवरी हुई, इस पर सर आपका क्या कहना है? इस पे टाइमिंग तो जो बता रही है एम्बुलेंस का रिकॉर्ड जो फोन किया था उसमें 3:05 समथिंग में कॉल किया गया। सर ऐसा आप बोल रहे हैं लेकिन चिट्ठा में सर देखिए डिस्चार्ज रेफरल का समय आपके सामने जो है सर वो कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, कहीं ये आपके हॉस्पिटल का ये कहीं ये तो नहीं हो रहा है कि जांच करेंगे, जांच करके जैसा साक्ष्य होगा हम बताएंगे। और इसमें भी सर कि इनका कहना यह भी है कि हम कल 4:05 आए हैं और इनका कहना है कि 7:45 यहाँ पे भर्ती का समय सर लिखा गया है। हाँ, इसके बारे में तो जो बता रही है जो जीएनएम कि जिस टाइम में 4:45 पर आई थी पेशेंट उस टाइम में इनका 0 डायलिटेशन था, डायलिटेशन बिल्कुल भी नहीं था, तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया था। सर एंट्री का तो टाइम होना चाहिए सर, जो एंट्री अगर पेशेंट को लिया जाता है, एक मिनट, एंट्री का तो टाइम होना चाहिए क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये नियम है कि कोई भी पेशेंट हो तो सबसे पहला इसका एंट्री होना है, इमरजेंसी पर्चा कट करके तो उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। तो ये एंट्री का टाइम है, पेशेंट को लिया गया, इसके बारे में कार्रवाई करेंगे, इसके बारे में पता करते हैं और जैसा होगा सर। तो सर आप लापरवाही को कबूल कर रहे हैं कि आपके अस्पताल में लापरवाही होती है? लापरवाही पैसे के मामले में तो अभी तब तक हम जांच नहीं करेंगे। नहीं, ये सब चीज में सर, ये सब चीज में सर पैसे के मामले में आप आखिर जांच क्यों नहीं कीजिएगा? पैसे के मामले में मैं जांच करूंगा, मैं वही बता रहा हूँ, पैसे के मामले में मैं जांच करूंगा, अगर साक्ष्य में जरा से भी अगर सच्चाई होती है तो जरूर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और साथ में जिला मैं सिविल सर्जन महोदय को भी लिखेंगे इनके बारे में और उनको सूचना भी देंगे और मैं फिजिकली भी मिलूंगा तो बोलूंगा। भागलपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देकर बेलगाम अपराधी पिछले 7 महीने से पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार की गुहार पर न्यायालय को सुरक्षा गार्ड प्रदान करना पड़ता है। गौरतलब है कि भागलपुर में एक मजदूर को पुलिस की सुरक्षा मिली हुई है, वो ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है, गाँव के दबंगों के डर से काम छोड़ रखा था, अब वो जब भी काम पर जाएगा उसके साथ बिहार पुलिस का एक पिस्टलधारी सिपाही सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगा। जगदीशपुर का रहने वाला ईंट भट्टा में काम करने वाला मजदूर संतोष को पटना के हाईकोर्ट में 20 जनवरी को एक बिहार पुलिस गार्ड मिल गया जो उसकी अब रक्षा करेगा। दरअसल भागलपुर के जगदीशपुर निवासी मजदूर संतोष कुमार की मां को गांव के कुछ दबंगों द्वारा डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता था, जिसके विरोध में संतोष ने केस दर्ज कराया। दबंगों द्वारा केस उठाने को लेकर दबाव बनाया गया लेकिन संतोष नहीं माना, फिर दबंगों ने उसके 9 साल के छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या में कुल 7 लोगों को आरोपी भी बनाया गया था जिसमें एक को ही गिरफ्तार किया जा सका है। ईंट भट्टा में काम करने वाला मजदूर संतोष ने बताया कि गांव के ही दबंगों ने मेरे 9 साल के भाई की हत्या कर दी, वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरे माँ को सभी लोग डायन बोलकर प्रताड़ित करते थे और मैं इसके लिए थाने में केस दर्ज किया था। साथ ही मेरा 9 बरस का भाई जगदीशपुर के दबंगों से इस बात को लेकर भिड़ गया था कि मेरी माँ को आप लोग डायन कहकर प्रताड़ित क्यों करते हैं, इसके चलते ही मेरे भाई की भी निर्मम हत्या कर दी थी। संतोष और उसकी माँ काफी डरी सहमी रहती है। संतोष का कहना है कि अभी तत्काल तो मुझे बिहार पुलिस के जवान से सुरक्षा मिल गई है, फिर भी डर बना हुआ है क्योंकि दबंग काफी आपराधिक किस्म के हैं और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं कई महीने डर से अपना काम छोड़ दिया था जिसके चलते काफी आर्थिक तंगी भी आ गई थी, अब गार्ड मिला है तो फिर से काम शुरू करूंगा। एसपी डीएसपी तक न्याय की गुहार लगाते लगाते संतोष थक गया है और पटना हाईकोर्ट पहुंचा जहां से पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाया गया, लेकिन अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। संतोष के अनुसार उसके भाई की हत्या की घटना के बाद पिछले साल अगस्त में भी भागलपुर एसएसपी की ओर से सुरक्षा गार्ड मुहैया कराई गई थी लेकिन कुछ ही दिन के बाद उसे वापस ले लिया गया था। सर जरूरत ये पड़ गई कि मेरे माँ को डायन का के पहले मारता था, उसके बाद जब अभियुक्त पे केस किए तो उसके बाद लगातार मुझे धमकी मिलने लगा। धमकी मिलने के बाद जो है
मेरा 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 7 महीने से पुलिस पदाधिकारी SP DSP जो भी अधिकारी है सारा रिसीविंग है, DGP तक मैंने पटना तक गुहार लगाया, लेकिन मुझे कोई अनुशासन के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद न्यायालय में जाके मैं सुरक्षा की गुहार लगाई कि सर मुझे जान से मारने की लगातार धमकी दे रही है, बल्लू माफिया है, नामजद व्यक्ति लगातार बगीचे में गोली फायरिंग करता है। इस वजह से मुझे काफ़ी भयभीत हो गया, मुझे भी टॉर्चर करने लगा, मेरे पिताजी को भी टॉर्चर करने, इस प्रकार से हम सब पूरा भयभीत हो गए। समझ में नहीं आता था क्या करें, लगता था कि ऐसे कि उससे मरने से बढ़िया कि आत्महत्या कर ले, जो फायदा है कि उस तरह से जिस तरह से मेरे भाई को मरा है सर उस तरह से देख लीजिए। का चक्कर लगाए तब गार्ड मुहैया कराई? न्यायालय से लगाया है सर, भागलपुर से। भागलपुर न्यायालय से? भागलपुर न्यायालय पटना भी से, वहाँ से भी बोला तो बोला ठीक है, नहीं कुछ दिक्कत कोई दिक्कत ना। सबसे इसमें विशेष आशीष भारती सर का योगदान, वकील साहब का परवा, भागलपुर का वकील साहब का, भागलपुर के PP साहब का, सभी का, मतलब हमारे साथ और आप सब जितने भी प्रेस रिपोर्टर सबका सपोर्टिंग रहा मेरे। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं सर, ईंट भट्टे पे काम करते हैं। क्या नाम? अब संतोष कुमार। अब किसी तरह का कोई भय? अभी तो सर भय नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे लगातार अभियुक्त की ओर से खुलेआम घूम रहा है, 7 महीने से अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है सर, भय तो बना हुआ ही है। सुरक्षा जब तक दिया है तब तक ठीक है, आगे देखते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। पहले भी गार्ड मुहैया कराई गई थी? जी। कब कराई गई थी? पहले 8 महीना में दिया गया था, न्यायालय से नोटिस आया था मेरे पास, लेकिन पुलिस पदाधिकारी जो है SP के द्वारा दिया जाता है ना, नखबंदी, मतलब कि देने का इच्छा जो नहीं होता है उस प्रकार से मुझे मतलब क्या अपमानित भी किया जाता था कि क्या करोगे गार्ड ले गए, इस प्रकार से उस किया जाता था। लेकिन लास्ट में फिर न्यायालय में बोले, तब फिर मुहैया किराया 2 महीने दिया, फिर वापस ले लिया। जब फिर मैंने जाकर बोले पदाधिकारी को कि सर अगर मेरे घर में कुछ हो जाएगा तो आप सब जिम्मेदार रहेंगे, तब फिर ये दिया गया है। अब देखिए क्या होता है आगे। भागलपुर के चौधरी डीह के बिशनपुर जिच्छो पंचायत के महमदाबाद हरिजन टोला में पानी की किल्लत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत पानी की टंकी भी लगाई गई और बोरिंग भी हुआ था, लेकिन इसमें खराबी हो जाने के कारण पिछले कई माह से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। गाँव से काफी दूर जाकर पीने का पानी ग्रामीणों को लाना पड़ता है। वह इसकी शिकायत मुखिया से के अधिकारियों तक की गई, लेकिन आज तक गाँव वालों की समस्या का हल नहीं निकल का और ग्रामीण पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि मुखिया की मनमानी के कारण ही आज तक गांव का कोई काम नहीं हो सका। चुनाव के समय तो लोक लुभावन वादे मुखिया के द्वारा किए गए, जिसके झांसे में आकर लोगों ने वोट तो जरूर दिया, लेकिन उनकी समस्याओं का आज तक निराकरण नहीं हो पाया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का हल नहीं होगा तो ये लोग आंदोलन करेंगे। पानी व्यवस्था नहीं थे, नहीं लाली बाबा था। वोट दे लो तो बोलो ना, उस समय वोट जो दिए वोट देने गए थे तो बोले ना, पैसा चले ना रे दलकानी तखनी तो पानी 2-4 महीना चल रहे, आ तेकर बाद जब वोट हुआ लाले, वोट होला बाद हम तो वोट अपना अपना जगरा मन के चार देवे करी छी हमरा सब, अब मैं सब कना कना करके ना करके हरी गेले, जगरा हाथ हम कल छले वो हरी गेले, बस आस्ते आस्ते पानी में बंद कर दे से बन तो बनने पानी नहीं दिया। हम लोग टाउन से पानी लेकर को पीते हैं, बहुत दिक्कत हम लोग का पानी का है, परेशानी हो जा नहीं बोला कि बोले तो एक बार का बोला कि हम देंगे, फिर नल आया है देंगे देंगे, फिर परसों भी चेकिंग में आया के लिए नल 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 नहीं दिया हमारा के नल देंगे आगे गड़ा देंगे नल, हमारा वार्ड आया था बोले हैं तो अभी तक नल नहीं दिया हम लोग को। आपको नल नहीं मिला? जिसको लाइन मन में पाप मिला तो पानी नहीं मिला रहा, हम लोग तो नल नहीं दिया है सब घिची ले उधरे आ महमदाबाद वाला पानी के वास्ते सब ना लहार व्यवस्था ना कोची और व्यवस्था ना ट्रांसफार्मर व्यवस्था ना चौपाल रो व्यवस्था ना आरो कुछ व्यवस्था ना रोचोर व्यवस्था। आखिर पानी तो अभी तो मिलिए ना रोजन 10-15 साल पानी पी भी बोल के कम्प्लीट छेबे न करे, मगर व्यवस्था के लिए करते तभी नाम पब्लिक यहाँ मरी रहे पानी वास्ते। नल है पानी नहीं है?
मुखिया बोल लो। आ मुखिया के बोल लिए तो मुखिया जे बोल लके कि वहां जे छे ने हम बोललो छिए। अरे यहां जे छे ने इसने चाबी के जे चमरास ने चाबी बंद कर दे छे। चाबी बंद कर। अब जे बंद करना छे देना छे औजार ओकरा देना छे तो में। अब आइनो करी देना छे तब हम इसने समझाई छे कि जने चमरास ने ना दे लो बोझ। हम तोरा पानी ना देबो। हम पानी देबे ना करबो तोरा से बोझ देतियो तब पानी देबो। अर नया आदमी जे जीतल कै नहीं तो मही बोल लगे तो पानी दे रहलो चमरा। भागलपुर ने खेल जगत को कई सितारे दिए लेकिन भागलपुर में खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की गई, मगर आज भी खिलाड़ियों में शहर को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का जज्बा नजर आता है। भागलपुर में लड़कों के साथ साथ सैंडिस कंपाउंड मैदान में अब लड़कियां भी हाथ में बल्ला थामे क्रिकेट के नेट में अपना पसीना बहा रही है और सपना है भारतीय क्रिकेट टीम में अपना जौहर दिखाने का। दर्जनों लड़कों के बीच नैन्सी मैदान में क्रिकेट का अभ्यास करती नजर आई। अपने भाई को खेलता देख उसके अंदर क्रिकेट का जुनून सवार हुआ था और अब वो रोजाना मैदान पहुंच रही है। आना हुआ। सर अपने भाई को देखे खेलते हुए, इसलिए भाई को देखते हुए। सपना क्या है? इंडिया खेलने। कब से खेल रही हो? क्लास 8 से। इतने लड़कों के बीच तुम खेल रही हो, क्या बुरा नहीं? यहाँ तो बहुत 50-60 लड़के रहते हैं, बीच में हम अकेले खेलते हैं। क्या लगता है कितना प्रैक्टिस सफल होगा? सर करते हैं प्रैक्टिस तो सफल तो होना ही एक दिन। क्रिकेट में आगे बढ़ना है? हाँ क्रिकेट में। अभी तक कौन से स्तर तक खेल चुकी हो? सर अभी तो नहीं खेला, अभी तो डिस्ट्रिक्ट ही खेल रहे हैं, खेलना है आगे। बहुत खुशी होता जब लड़की ग्राउंड में आती है, क्रिकेट खेलती है। कुछ लड़की घट गया है, कोशिश जारी है आगे बढ़ाने, लेकिन बिहार मान्यता के कारण नहीं मिला इन लोगों को सिलेक्शन में। लड़कों के हिसाब से कैसा खेल देखने को मिला? अभी बराबर में चल रहा है। उम्मीद है कि ये लोग आगे जरूर 100% आगे बढ़ेगा। प्रैक्टिस किस तरह से, किस स्तर से? लोग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके बाद घर चल जाते हैं। भागलपुर के लाजपत पार्क के मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वीं जयंती के शुभ अवसर पर पूर्णावयव प्रतिमा का अनावरण बिहार बंगाली समिति के मार्गदर्शन में सुभाष संघ परिवार के द्वारा बड़े ही धूमधाम से किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के दौरान भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, संस्थान के अध्यक्ष रचना मुखर्जी, सचिव जगजीत घोष ने संयुक्त रूप से किया। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व बिहार बंगाल समिति के द्वारा स्थानीय दुर्गा चरण हाई स्कूल में प्रभात फेरी और झांकियां निकाली गई। यह प्रभात फेरी मानिक सरकार चौक आदमपुर चौक होते हुए पुनः लाजपत पार्क पहुंची। प्रभात फेरी में शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। वहीं इस प्रभात फेरी में भारत माता और सुभाष चंद्र बोस की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस कार्यक्रम में बिहार बंगाली समिति के सदस्य एवं शहर के दर्जनों गणमान्य लोग उपस्थित थे। देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म जयंती पर मैं शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और उनमें जो जज्बा था देश प्रेम की, युवाओं को प्रेरित करती थी, तो मैं यहाँ के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, भागलपुर के युवाओं को, भारत के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनमें देश प्रेम की भावना कितनी कूट कूट करके भरी हुई थी। वो संघर्षरत रहे सदा और देश प्रेम के चलते उन्होंने अपने कई सुख शांति को त्याग दिया और देश प्रेम में लग गए। और जब तक संपूर्ण आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक शांति नहीं लेंगे, इसका नारा उन्होंने दिया। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो, जैसे नारा उन्होंने दिया है। तो हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग उनके जज्बे को बरकरार रखिए और उनके कदम पर कदम मिलाकर के उनसे चलें। माता के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस जी का, जिन्हें साधारणतः नेताजी के पुकारते हैं, उन्हें ये आख्या मिली थी। वो चाहते थे कि माँ के भारत वर्ष को वो अपनी माँ से भी बढ़कर मानते थे। वैसे वो स्वामी विवेकानंद के मानस पुत्र रहे हैं और देश माँ ही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उनको आज़ादी के सपूत के नाते देश को आज़ादी दिलाने के लिए खून की ज़रूरत है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की, देश में वो ब्रिटिश
के द्वारा स्वीकृत किए गए कि देश के शत्रु हैं, ब्रिटिशर्स के शत्रु थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, इसलिए वो छद्मवेश से बाहर निकल गए, देश के बाहर निकल गए और मित्र शक्ति के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए खून बह दिए। और उनका एक ही उद्देश्य था, नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिहार स्टेट चैंपियनशिप 2022-23 के फाइनल मुकाबला आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुआ, जिसमें पूर्णिया ए की टीम अव्वल स्थान पर रही। विजयी खिलाड़ी अब चेन्नई में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। यह आयोजन भागलपुर जिला शतरंज एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। इस राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, MLC डॉक्टर NK यादव के अलावे दर्जनों कार्यक्रम मौजूद थे। विजेता खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए चेन्नई में अब शतरंज खेल का लोहा मनवाएंगे। अभी हमारा टीम पूर्णिया ए स्टेट में जीता है। 10 तारीख से कोयम्बटूर में नेशनल है, वहाँ हम लोग जाएंगे, बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग थी, मुझे ऐसा लग रहा था, रेटिंग वाइज भी काफ़ी स्ट्रांग थी हमारी टीम। मुझे तो मतलब ऑलमोस्ट श्योर था कि हम लोग जीतेंगे और जीत गए। कैसे चुना आपने? बचपन से मैं चेस खेल रहा हूँ, पापा ने बोला कि चेस खेलने के लिए, जब मैं 7 साल का था तब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ चेस। कहाँ कहाँ खेले मैं? मैंने इंडिया में कई सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं और इंडिया के बाहर भी मैं खेल चुका हूँ, जैसे यूरोप वगैरह, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। बिहार में क्या स्कोप देखते हैं चेस को लेकर? इम्प्रूवमेंट हो रहा है, पहले तो नहीं था उतना इम्प्रूवमेंट बिहार में चेस में, अभी धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ये टीम नेशनल बनेगी और भागलपुर जिला में जो पहले हुआ वहाँ भी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन पूर्णिया की टीम सबसे अव्वल रही और वो अब पूरे देश के पैमाने पर खेलेगा। मेरी शुभकामना है कि हमारा बिहार और ख़ास करके भागलपुर ये शतरंज में आगे बढ़े और हम लोगों का नाम रोशन करे। जिस तरह की अभी शतरंज के बारे में बताया गया, शतरंज से खेलने से आदमी का दिमागी कसरत होता है और इसका इस्तेमाल ये बच्चे पढ़ाई में करेंगे और पढ़ाई में भी अव्वल करें। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें चेस एसोसिएशन भागलपुर चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया और युवाओं में इतना जोश है कि उसके जोश और उमंग के सामने हमें नतमस्तक होना पड़ा और ये पद स्वीकारना पड़ा और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप किया और उसके बाद तुरंत अभी आप देख रहे हैं कि राज्य स्तरीय चेस टूर्नामेंट हुआ और इसका आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। 23 टीम ने भाग लिया और पूरे बिहार के डिफरेंट जगह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया और इस तरह से खेल का आयोजन को बढ़ावा देना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और खेल बहुत सारे चीज़ों को एक साथ लाता है, नैतिकता, अनुशासन इत्यादि को लाता है, तो खेल को बढ़ावा देना हम लोगों की जिम्मेदारी है और इसी क्रम में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि डॉ। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत भागलपुर के आनंद राम ढांडानिया विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के नेतृत्व और भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रवक्ता श्वेता सुमन की संयोजन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से वर्ष 2018 से छात्रों से परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए संवाद स्थापित करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस वर्ष देश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में कई जिले में आए प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें भागलपुर जिले का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। 23 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से स्कूल के बच्चों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। उससे पूर्व जो है एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का की भावना का विकास हो, तो इस नाते पूरे देश भर में ऐसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखा गया था और 27 तारीख को इस ड्राइंग कंपटीशन में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे और बाकी जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उनको परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम के बाद एक पुरस्कार का वितरण का कार्यक्रम होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इस देश को बनाने में लगे हुए हैं, देश को सर्वांगीण विकास में लगे हुए हैं, देश पुनः विश्व गुरु बने इस भाव के साथ जो काम कर रहे हैं,
तो इसके साथ साथ वर्तमान को ठीक करने के साथ साथ भविष्य भी हमारा कैसे बेहतर हो, तो उस बेहतर भविष्य के लिए जो नींव है, भारत की आत्मा इन बच्चों में निवास करती है और यही आगे भविष्य होंगे, भारत के भविष्य यही बच्चे होंगे, तो इनके अंदर में कैसे सकारात्मक भाव का बोध हो, विकास हो और इनके माध्यम से फिर आगे भी भारत कैसे विश्वगुरु बने, इस नाते प्रधानमंत्री जी इन बच्चों के साथ निरंतर वो संवाद करते हैं। कोई भी ऐसा अवसर आता है तो वो बच्चों के साथ बातचीत करना, बच्चे के मन स्थिति को समझना और फिर उनसे भी सीखना और अपने मन में जो कुछ भाव है वो उनको बच्चों को भी बताना करना, यह है। तो कुल मिलाकर यह एक प्रकार से यह देश को केवल वर्तमान परिस्थिति में ही देश की व्यवस्था को ठीक नहीं करना, आगे आने वाले समय में भी देश हमारा और मजबूत हो और सुदृढ़ हो और इसको मजबूत बनाने में जिनकी भूमिका हो सकती है उनके साथ एक बेहतर संवाद और उनको उनकी क्या समझ है अभी वर्तमान परिस्थिति में समाज के प्रति, देश के प्रति, इसको एक समझने का यह अवसर मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर दुर्गा चरण मध्य विद्यालय में बिहार बंगाली समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन नव निर्वाचित महापौर वसुंधरा लाल, बिहार बंगाली समिति के सचिव जगजीत घोष, सुगंधा रक्षित डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस रक्तदान शिविर में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने नेताजी के जयंती के अवसर पर पहली बार रक्तदान किया। इस शिविर में वे पहली बार रक्तदान करने वालों को समिति के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में शहर के लोगों ने उत्साहपूर्वक अपना रक्तदान किया। मौके पर बिहार बंगाली समिति के सचिव जयजीत घोष ने कहा कि हम लोग नेताजी के जयंती के अवसर पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, यह हम लोगों का 15वां रक्तदान शिविर है। देने की मेरी खुशी है कि मैं अपना ब्लड देकर दूसरों को मैंने काम आए, खुशी मिले। कितनी बार आप ब्लड डोनेशन किए? फर्स्ट बार। फर्स्ट बार है तो आपको कहीं लोगों को क्या संदेश देते हैं? लोगों को क्या संदेश देते हैं? लोगों को संदेश देते हैं कि अच्छा काम करने से खुशी और मैंने मिलता है और दूसरों को देना रहता है खून ब्लड या कोई चीज उसको जिसका कमी है या किसके पास पैसा नहीं हो उसको आधार से ब्लड दिया जाता है। भागलपुर के मोहद्दी नगर के सकरुल्ला चक वार्ड नंबर 43 में भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल का ग्रामीणों ने बूके देकर स्वागत किया। अभिनंदन समारोह में वार्ड के पार्षद अरशदी बेगम के अलावे दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद थे। डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि वार्ड नंबर 43 की जनता ने मुझे जिस उम्मीद से चुना है मैं उस पर खरी उतरूंगी और उम्मीद है हमारे कदमों से कदम मिलाकर लोग विकास की राह पर मेरे साथ चलेंगे। इस मौके पर विद्यानंद झा, गोपाल पोद्दार, सत्यनारायण मंडल, भरत भूषण चौधरी, बालेश्वर शाह के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। रानी का आशीर्वाद ली थी और मैं पुनः अभी मेयर बन करके यहाँ पर आई हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि माता रानी ने मुझे कितना आशीर्वाद दिया और कितना प्यार दिया आप लोगों ने। आप लोगों के जुड़ाव को देखकर, आप लोगों के लगाव को देखकर के तो मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और सब ने ये मेरे पास की बता सकूँ कि कितना मैं अभिभूत हूँ। तो सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सबों के मन में तो बहुत सारी आशाएं और अपेक्षाएं हैं और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो आपके बीच से हूँ, आपके ही हूँ और यहीं से मैं बन के मेयर बनी हूँ। तो मैं बता दूँ ये तो आपका जो क्षेत्र है वो स्मार्ट सिटी में नहीं आता है और उसके लिए अब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी बंद होने वाला है। तो मैं जाती हूँ और तारानी का आशीर्वाद ली थी और मैं पुनः अभी मेयर बन करके यहाँ पर आई हूँ। तो आप समझ सकती हैं कि माता रानी ने मुझे कितना आशीर्वाद दिया और कितना प्यार दिया आप लोगों ने। आप लोगों के जुड़ाव को देखकर, आप लोगों के लगाव को देखकर के तो मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और सब ने ये मेरे पास की बता सकूँ कि कितना मैं अभिभूत हूँ। तो सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सबों के मन में तो बहुत सारी आशाएं और अपेक्षाएं हैं और वो भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो आपके बीच से हूँ, आपके ही हूँ और यहीं से मैं बन के मेयर बनी हूँ। तो मैं बता दूँ ये तो आपका जो क्षेत्र है वो स्मार्ट सिटी में नहीं आता है और उसके लिए अब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी बंद होने वाला है।